बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं। PSL की कैटेगरीज़ का ऐलान हुआ है, लेकिन ये रिन्यूबल कैटेगरीज़ हैं और सिर्फ लोकल प्लेयर्स के हवाले से हैं कि कौन से लोकल प्लेयर्स मुख्तलिफ टीम्स हैं रिटेन किए। मैं आपको बताता हूँ प्लेयर्स, आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड में शादाब खान हैं, और प्लेटिनम कैटेगरी में आसिफ अली हैं, मोहम्मद वसीम जूनियर हैं, हसन अली हैं, आज़म खान हैं और फ़हीम अशरफ हैं, ये डायमंड कैटेगरी में हैं। इसके अलावा गोल्ड में सुहेब मकसूद हैं, अबरार अहमद हैं, रुमान रईस हैं, ज़फ़र गौहर हैं और मुबस्सिर खान हैं। इसके अलावा सिल्वर में ज़ीशान ज़ुमैर, और इमर्जिंग कैटेगरी में हसन नवाज़ हैं। उसके बाद आ जाइए कराची किंग्स पर, तो इमाद वसीम हैं प्लैटिनम में। इसके बाद की कैटेगरी में शुएब मलिक और मोहम्मद आमिर को आप देख पा रहे हैं। उसके अलावा हैदर अली, आमिर यामीन, शर्जील खान, मीर हमज़ा, तैयब ताहिर, मूसा खान और कासिम अकरम हैं। ये कैटेगरी इनकी आपको बताता चलूँ गोल्ड है। और इसके बाद सिल्वर कैटेगरी में मोहम्मद अखलाक, मोहम्मद उमर, आकिब जावेद, और उसके अलावा इमर्जिंग कैटेगरी में इरफान खान नियाजी और फैसल अकरम को आप देख पा रहे हैं। उसके अलावा लाहौर कलंदर्स की जो टॉप कैटेगरी है उसमें शाहीन अफरीदी हैं, फ़खर जमान हैं, हारिस रऊफ़ हैं। उसके बाद की कैटेगरी में कोई भी प्लेयर उन्होंने रिटेन नहीं किया है। डायमंड कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ। गोल्ड कैटेगरी में लाहौर कलंदर्स के खिलाड़ियों में शामिल हैं हुसैन तलत, अब्दुल्ला शफीक, कामरान गुलाम, मिर्ज़ा ताहिर बेग और जमान खान। इसके अलावा सिल्वर कैटेगरी में दिलबर हुसैन, अहमद दानियाल लतीफ़, एहसन लतीफ़ भट्टी, जल्लाद खान। उसके अलावा इमर्जिंग कैटेगरी में शाहवेज़ इरफान। अब देखिए, मुल्तान सुल्तान ने सिर्फ एक प्लेयर रिटेन किया है प्लैटिनम में, मोहम्मद रिजवान। उसके बाद गोल्ड कैटेगरी में हैं शान मसूद, खुशदिल शाह और उसके अलावा उसामा मीर हैं। उसके बाद की कैटेगरी में अब्बास अफरीदी, एहसानुल्ला, अरफात मिनहास, शाहनवाज धानी, अनवर अली। उसके अलावा जो लास्ट कैटेगरी है इमर्जिंग की, वो भी खाली उन्होंने छोड़ी हुई है। और जो कैटेगरी सिल्वर है उसमें उनके प्लेयर्स शामिल हैं समीन गुल, सरवर आफरीदी, अमाद भट्ट, मोहम्मद इलियास। अब आ जाइए पेशावर जलमी, इनमें पेशावर जलमी के कप्तान बाबर आजम हैं प्लैटिनम कैटेगरी में। बाबर आजम के बाद जो कैटेगरी है उसमें वहाब रियाज, मोहम्मद हारिस, साइम अयूब। उसके बाद की कैटेगरी में दानिश अजीज़, अरशद इकबाल, आमिर जमाल, सलमान इरशाद, उस्मान कादिर, हारिस सुहेल और सुफियान मुकीम। और इसके बाद की कैटेगरी में खुर्रम शहजाद अकेले हैं, फास्ट बॉलर हैं खुर्रम शहजाद। और उसके अलावा लास्ट इमर्जिंग कैटेगरी में हसीबुल्ला खान, क्वेटा से ताल्लुक़ रखते हैं, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हैं। उनके अलावा साद मसूद। उसके अलावा क्वेटा ग्लैडिएटर ने जो प्लैटिनम कैटेगरी में दो खिलाड़ी रिटेन किए हैं उसमें नसीम शाह और इफ्तिखार अहमद हैं। उनके बाद मोहम्मद नवाज, मोहम्मद हफीज़ और सरफराज अहमद एक कैटेगरी में है। जो सेकंड कैटेगरी आती है और वो कैटेगरी है इन खिलाड़ियों के बाद की कैटेगरी, वो है गोल्ड डायमंड कैटेगरी। इनफैक्ट द सेकंड कैटेगरी इज़ डायमंड। और उसके बाद है गोल्ड कैटेगरी में मोहम्मद हसनैन, एहसान अली, उमर अकमल, उमैर बिन यूसुफ और सऊद शकील हैं। उसके बाद की कैटेगरी में है उमैद आसिफ, मोहम्मद जाहिद, अरशद उल्ला और बिस्मिल्ला खान। और लास्ट यानी इमर्जिंग कैटेगरी में अब्दुल वाहिद बंगलजई, अनदर गाय फ्रॉम बलूचिस्तान, यंग बैट्समैन और बलूचिस्तान, एमल खान, ये भी बलूचिस्तान से हैं, यासिर खान और ख्वाजा मोहम्मद नाफे, ये फर्स्ट क्लास प्लेयर हैं और अभी रिसेंटली काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने दी है। तो ये है कैटेगरी रिन्यूअल की फॉर द PSL एडिशन 9 जो होगा इस अगले बरस की फरवरी से। तो और भी अपडेट्स मेरे पास आएंगी तो मैं आपके सामने रखूँगा। मुझे इजाज़त, खुदा हाफिज़।